कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली के लोकप्रिय सांसद भोजपुरी संगीतों के सम्राट नौजवान साथी आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस चुनाव के अभिकर्ता भाई संजय सिंह सेठवार जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पथरदेवा भाई ब्रह्मा यादव जी, देवरिया जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री श्री श्रीनिवास मणि त्रिपाठी जी, श्री रामाशीष गौतम जी, श्री नीरज शाही जी, श्री अवधेय सिंह जी, तरकुलवा के ब्लॉक प्रमुख श्री रामाशीष गुप्त जी, बैतालपुर के ब्लॉक प्रमुख श्री प्रभाकर राय जी, श्री बिहार के आए हुए यहाँ सम्मानित विधायक श्री हरिभूषण ठाकुर जी, हरी शाहनी जी, और अभी कुछ ही दिन पहले जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को स्वीकार किया, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके जो वहाँ के प्रत्याशी के रूप में तैयारी कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ऐसे भाई श्री सुनील राव जी, डॉक्टर विनय राव जी, सीपीएन सिंह जी ग्राम प्रधान पथरदेवा, श्रीमती सूर्यंती देवी कुशवाहा महिला मोर्चे की सावित्री गुप्ता जी, उषा यादव जी यहाँ बैठे हुए मंच के पर, सभी हमारे शीर्ष नेतागण और यहाँ आए हुए पथरदेवा के नौजवान साथियों, हमारे अभिभावकों, माताओं और बहनों और उपस्थित सज्जनों और मीडिया के सभी सम्मानित सज्जनों, आज मुझे इस बात का बहुत गौरव महसूस हो रहा है, इस बात को लेकर के हर्ष हो रहा है कि जब हम लोग राजनीति की शुरुआत किए थे कसिया में, तो उस समय मनोज तिवारी एक विद्यार्थी के रूप में पढ़ रहे थे और डेस्क बजा करके डेस्क पर ही संगीतों का अभ्यास करते हुए नौजवानों के बीच में गाया करते थे। जिस तरीके से एक चाय के बेचने वाला बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बना है, उसी तरीके से कसिया के उसी नगर महाविद्यालय का पढ़ने वाला छात्र आज मनोज तिवारी के रूप में दिल्ली प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का दो दो बार प्रदेश अध्यक्ष, दूसरी बार दिल्ली का सांसद और भोजपुरी का दुनिया के भीतर भोजपुरी को स्थापित करने का जो काम मनोज तिवारी ने किया है, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि मनोज तिवारी जो अभी कहा बिहार के, मैं तो मानता हूं कि हमारे इसी कसिया विधानसभा क्षेत्र के कुशीनगर के उस समय छात्र के रूप में थे जिन्होंने आज इतना नाम बढ़ाया है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेत में चाय बेचने से लेकर के आज प्रधानमंत्री तक का सफर किया है, भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सारे लोगों का सम्मान करने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो ऐसे लोगों का पहचान करती है, और भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा छोटा कार्यकर्ता कोई भी बड़ी जिम्मेदारी लेकर के अच्छे तरीके से उसका निर्वाह कर सकता है। 2002 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं यहाँ पर चुनाव हार गया था और 2002 से लेकर के 2017 तक समाजवादी पार्टी के ही विधायक रहे यहाँ पर, दो बार आदरणीय तिवारी जी रहे, एक बार जो है वो स्वर्गीय भाई साहिब जी रहे, और तीन बार रहने के बावजूद भी मैं ये पूछूं कि पथरदेवा में उन 15 वर्षों में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी ये नहीं कह सकती कि यहाँ के डिग्री कॉलेज को हाँ हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार में खोली गई है, वो ये नहीं कह सकती कि पथरदेवा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, वो ये नहीं कह सकते कि बघौत घाट का सब स्टेशन समाजवादी पार्टी के सरकार में बना, वो ये नहीं कह सकते कि कपिलेश्वर का सब स्टेशन समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, वो नहीं कह सकते इस बात को कि तरकुलवा ब्लॉक का गठन समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, वो ये नहीं कह सकते इस बात को कि कसिया तहसील का निर्माण समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, ये जो कुछ भी किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और ये जो कुछ भी हुआ है ये सूर्य प्रताप शाही ने किया है।
आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया के भीतर भारत का जो मान सम्मान बढ़ा है, आज वो समय आ गया कि जब पाकिस्तान भारत की ओर आकर के यदि वो कोशिश करता है आतंकवादी हमला किए जाने के लिए, तो बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक करके मार करके और पाकिस्तानी सैनिकों को वहां पर परास्त करके और सत्सर अपने हिंदुस्तान की धरती पर लौट आने का यदि किसी के भी किसी ने सेना के भीतर वो जोश और जनता के भीतर हिम्मत पैदा किया है, तो हमारे नेतृत्व का माननीय मोदी जी ने किया है। इसी तरीके से योगी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के दृष्टि से किया है। आज समाज के गांव के सबसे अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से पहुंचता हो, चाहे दो सालों से मुफ्त राशन दे करके लोगों को किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया गया, जिसका प्रबंध आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने किया। आज इस वैश्विक महामारी के बावजूद भी बड़े पैमाने पर कोरोना का टीका लगा करके लोगों की रक्षा की गई है। एक समय था जब यहाँ पर जो है वो पूरे प्रदेश दंगाइयों के नाम से जाना जाता था। किसका शासन था? एक प्रदेश था जब अयोध्या में भगवान श्री राम की धरती पर कार सेवकों के ऊपर गोलियां चला करके समाजवादी पार्टी के हाथ तो खून से रंगे हुए हैं, जो उन्होंने राम लला का अपमान किया। आज उस रामलला की जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण तभी हो पाया है जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और योगी जी उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं। तो इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि आपके मान सम्मान से लेकर के देश के आस्था के सम्मान तक जो काम करने का काम किया है, देश का गौरव और मान बढ़ाया है, तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं ने बढ़ाया है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये पथरदेवा की धरती, जैसा कहा भी ब्रह्मा यादव जी ने कि मैं भी दूसरा क्षेत्र चुन सकता था, लेकिन ये मेरी मातृभूमि थी, मेरी जन्मभूमि थी। प्रदेश अध्यक्ष रहने के बावजूद भी जब टिकट मेरे हाथ में था तो मैंने पथरदेवा को ही अपना क्षेत्र चुना, क्योंकि मेरा जन्म स्थान इसी ब्लॉक के निकट। और इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो लोग आए हैं वो 10 साल कहाँ थे, कहाँ पर चले गए थे और क्यों नहीं आए, ये आपको विचार करना होगा। मैं बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि मनोज तिवारी जी के 3-4 कार्यक्रम इसके बाद लगे हुए हैं, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस पथरदेवा के भीतर मनोज तिवारी जैसे महान कलाकार को उतारने का हम लोगों ने काम किया। हमें ऐसे अनेक देश के जाने माने कलाकारों को यहाँ उभार करके और संगीत के भीतर भी इस क्षेत्र के लोगों को उत्साह बढ़ाया जा सके और उसको लाभान्वित किया जा सके, उस काम को हम लोगों ने संपन्न किया। आज वो हमारे बीच में है, मैं उनका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने समय दिया 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को आप खिलाए, भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत से फिर से विजयी बना करके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, ये आशीर्वाद मांगते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय भारत। भोजपुरी के विश्व में पटल पर अपना उत्तर प्रदेश बिहार को परचम लहराने वाले दिल्ली के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, दूसरी बार दिल्ली से सांसद, हम सबके प्रिय, हमारे बगल पड़ोसी, हमारे घर परिवार के बच्चे श्री मनोज तिवारी जी, जिन्होंने विश्व पटल पर भोजपुरी का परचम लहराया और भारतीय जनता पार्टी में अपना परचम लहराया, ऐसे मनोज तिवारी जी को आउट करता हूँ। अब हम सबको संबोधित करें, थोड़ा तालियों के घर मनोज जी का सम्मान करें। बड़ा किस्मत से एक बार फिर पथरदेवा आवे के मौका मिलल बा। और जब आज हम पथरदेवा में खड़ा बानी तो हमारा बहुत कुछ याद आवता, जहां जहां हमारा आवाज जा रहल बा, हम यहाँ उपस्थित अपने
हर बड़ बुजुर्ग माता जी लोग, दीदी लोग, जी आसपास कई लोग, इधर पीछे भी कुछ लोग खड़ा हुआ पेड़ के किनारे, नीचे सामने जे कुर्सी जिकरा के मिल गिल कर तो ठीके बा, जी के नीचे मिला लोकरों के आप सब लोगन के जी एगो जो छोटा सा पंडाल बाटे जो बहुत छोट हो गिल बाटे आज से ओकरे अंदर जी बा ओकरो के और जे बाहर बाहर बैठल बा खड़ा बा जे हो दरबारी पर बैठल बाटे आप सब लोग के दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करतनी। मंच के दाहिने सड़क के ऊपर जितना भैया लोग बाबूजी लोग खड़ा बाड़े बैठल बाड़े, दुकान के अंदर भी बहुत लोग बैठे हैं। हाँ भैया देखा और मंच पे ये क्षेत्र के वो सब लोग जो आपके यहाँ आने से पहले आपके लिए कुर्सी लगाए होंगे, टेंट लगाए होंगे, वो सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोग मंच पे बैठे हैं। आप सब लोगों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। मेरे भाई बहन, हमारे पास थोड़ी समय की कमी जरूर हो गई कि यहाँ से बस जाए के बाद हाट पर रानी, फिर जाए के बाद सलेमपुर, फिर आवे के बाद देवरिया, तो गाड़ी हमारे तनी लेट चलती है लेकिन पहुंची हर जगह। आज हम अपने मात्र बड़ा भाई कहल तो शब्द ठीक नहीं थे, एक प्रकार से कहीं तो हमनी के जीवन पे एगो अभिभावक नियन जी अपन बहुत प्रभाव छोड़ने बड़े, ऐसे अपने बड़ भैया श्री प्रताप शाही जी के लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने आए हैं। मंच पे श्री रमा शंकर कुशवाहा जी अध्यक्षता कर रहे हैं, श्री हरभूषण ठाकुर विधायक जी बीसपी मधुबनी से आए हैं, नीरज शाही जी जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री है, श्री संजय सिंह सेठवार जी यहाँ उपस्थित हैं, श्री ब्रह्मा यादव जी पूर्व प्रमुख हैं, श्री निवास मणि जी जिला महामंत्री, हमारे रामशीष गौतम जी, हेमंत पाठक जी, अवधेश सिंह जी, रामशीष गुप्ता जी, सुब्रत शाही जी, रविंद्र कौशल जी, हरी साहनी जी, ये हमारे विधानसभा में प्रवासी हैं, इनके जिला में भी हम गए रहनी बिहार में प्रचार करे और खूब जीतली जा, श्री प्रभाकर राय जी, श्री सुनील राव जी, सीपीएन सिंह भाई और श्रीमती सूर्यवंती कुशवाहा जी, सावित्री गुप्ता जी, उषा यादव जी, इनके साथ साथ नथुनी सिंह कुशवाहा जी के नाम भी हम लेहल चाहब, प्रधान संघ के पूर्व यहाँ के जिलाध्यक्ष बानी श्री राजेश मिश्रा जी, सुजीत सिंह जी, और हमरे साथे बहुत लंबे समय से ए पत्थरदेवा विधानसभा में गढ़रामपुर गांव बा जहाँ हमने के कबो क्रिकेट उर्केट खेलत रहनी जा, तो वहां से हमारे जितेंद्र प्रताप राव जी आज ही नहीं के ड्यूटी लागल बा हमरा के गोरखपुर से धो के ले आइल बड़े, और हमारे साथ ही गोरखपुर के एगो बहुत चर्चित व्यक्ति जो बहुत दिन से समाजवादी पार्टी में रहले, अभी कुछ दिन पहले ओहो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे भानु प्रकाश मिश्रा जी, वहाँ के बहुत स्वागत, आज हमने संगी वहाँ के पूरा कार्यक्रम में रह। हमरा एक और घटना याद बा भैया, एक बार पत्थरदेवा में शायद वो समय 93 रहे 94 रहे, जोशी जी के प्रोग्राम रहे और बहुत देर हो गए जोशी जी के आवे में, 4-5 घंटा लेट हो रहे, हम आई रही जी के उनकर भाषण सुन, जैसे सब कोई आवेला कोई के सुने खातिन, तो वो हमारा समय याद बा कहे कि हम एकरा में दुराई नहीं थे कि हमारे गांव बिहार में बा और
हमरा बुद्धा डिग्री कॉलेज कुशीनगर से कुछ दिन वहाँ पढ़े के मौका मिलल, तो एक कारण हमरा आना जाना बहुत होत रहे। और जब हमनी के सूर्य प्रताप शाही जी से मिलत रहनी जा तो लगे कि एक नेता ऐसा है जो गार्जियन भी लगता है, जो अभिभावक भी लगता है। समय समय पे आपकी समस्याओं को अपनी समस्या समझ के वो डील भी करते हैं। और वो समय धीरे 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 बीतता गया। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूं, अगर 2012 में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सारा अपना दुनिया छोड़ के लग गए, तो इसमें भी सूर्य प्रताप शाही भैया के बहुत बड़ा योगदान बाटे। तो मेरे लिए तो ये सम्मान है कि हमको पथरदेवा में आने का मौका मिला है। बाकी तो बहुत लोग यहाँ दोस्त मित्र बाटे, बगल के अगल के बगल के सब, थोड़े दूर में बिहार हिल जाला आदमी, तो सब वहां से भी लोग आते हैं यहाँ। आप सबको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। मनोज तिवारी का बताइए, आप लोग हमसे ज्यादा अपने घर में बैठ के सोचते होंगे। आप जब किसी का बयान सुने होंगे, किसी समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान आया कि बनने दो सरकार, पेशाब से दिया जलाए, तो हमसे ज्यादा दुख आपको हुआ होगा, हमसे ज्यादा चिंता है आपको। एक सलमान नाम के नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनका ये बयान बहुत वायरल हुआ है। एक और किसी का बयान आया कि जाने दो योगी को, देखेंगे योगी मोदी के बाद तुम लोगों को कौन बचाएगा, ये भी बयान है। तो ये बयान सुनने सुनला के बाद हमरा से ज्यादा रहुआ सब विचार के लिए उखब जाए, कर मतलब का बा, कहे के अर्थ का बा, बयान के भविष्य का बा, हमरा से ज्यादा है आप लोग सुन ले, सोच ले हो कब जा। हम तो सिर्फ एक बात पे सोचतनी कि जैसे अभी भैया बतौनी ब्लॉक बन गई, कौन कौन लोकल जो काम बाटे वो आप लोग अच्छी तरह जानतनी, जो कॉन्फिडेंस से सूर्य प्रताप शाही जी कहतनी ओकरा के रवा सब ताली बजा के स्वीकृति भी दे ली जा। लेकिन सावधान रहे के बाटे वो लोगन से जेकर उद्देश्य बाटे हमनी के समाप्त कईल, हमनी के संस्कृति के समाप्त कईल, हमन के समाज के सुरक्षा के समाप्त कईल, खतरा में डालल, वो लोग समय समय पे हमें आपको छोटी छोटी साजिशें करके, और कभी हमको जाति में बांटेंगे, कभी हमको छोटे छोटे मुद्दों पे ऐसा खौलाएंगे कि आपके और हमको लगेगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और उनकी कोशिश होगी कि किसी तरह ये जो भ्रष्टाचार विरोधी सरकार है इसको हम समाप्त करें। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे तत्व जो कल तक कब्जा में विश्वास करते थे, दूसरे की लड़कियों को छेड़ने में विश्वास करते थे, दूसरे के दिन दहाड़े कभी जब चाहे अपने लाठी और बंदूक के बल पे झुका लेने की बात सोचते थे, वो सब इंतजार कर रहे हैं कि शायद 10 मार्च को हमारा दिन वापस आ सकता है। वो लोग इस आशा में हैं, लेकिन अब विचार हम लोगों को करना है, सबको करना है कि हमारा उत्तर प्रदेश, हमनी के उत्तर प्रदेश कौन रास्ता पे जाए। सूर्य प्रताप शाही आपके विधायक बनेंगे, लेकिन सूर्य प्रताप शाही जी ही, वही सूर्य प्रताप शाही जी ही योगी आदित्यनाथ है, वो सूर्य प्रताप शाही जी नरेंद्र मोदी है, यहाँ के सूर्य प्रताप शाही जी ही सब है। यहाँ जो देश में जितनी शक्तियां मिलकर के भयमुक्त उत्तर प्रदेश की कल्पना करती है उसके प्रतिनिधि सूर्य प्रताप शाही सिर्फ एक नाम है, यहाँ का हर कार्यकर्ता सूर्य प्रताप शाही है। हमको बता रहे थे कि हम यहाँ से जाके जीत गए, दूसरी बार सांसद हैं दिल्ली से, कैसे बन गए?
अगर आपके यहाँ का एक भी आदमी दिल्ली रहता है तो उसका मेरे ऊपर कर्जा है, उसके वोट से हम जीते हैं। दिल्ली में क्यों लड़ाया गया हमको? क्योंकि वहां पत्थरदेवा के बहुत लोग बा, तो हम तो जहां जाते भी हमार हर क्षेत्र में एक 200-400 वोटर बैठल वाड़ी, जो यहाँ वाड़े उनका परिवार वहां बा। तो मैं कभी कभी सोचते, इसीलिए मैं विचार करता हूं भैया कि एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सही मायने में संतुलन के दो पटरी पे चल रही है, एक पटरी आस्था और संस्कृति की और दूसरी पटरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर का। हमने एक गाना गाया है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। तो गाना गईबो कैली और एक हमारा कन्हैया मित्तल है, वही होते बाबू, केवल सुर देना, केवल सुर देना, अभी रिदम मत बजाना। कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। अभी तो 5 साल की शुरुआत हुई है, अभी तो समहुते भइल बा। मंदिर जब बन जाए सोच नजारा क्या होगा, देश हमारा उत्तर प्रदेश हमारा, सोचिए तो एकांत में भैया कि हमारा प्रदेश इससे प्यारा क्या होगा। काशी भी सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा, अभी तो बाजे शुरू भइल बा। डमरू जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा। मथुरा भी सजने लगी है, हमारे हर लाइन का मतलब है, अगर हम लिखले बानी कि काशी भी सजने लगा तो हम वही बनारस में पैदा भैली, हम जब जब बाबा विश्वनाथ जी में जाते रहे देह छिला जाते रहे, आप लोग भी गए होंगे, ओके नाम दे रहे कचौड़ी गली, जहाँ भी भीड़ होके तो लोग कहे क्या हो कचौड़ी गली में जाता रहो। भीड़ का मतलब भीड़ उतनी नहीं होती थी, लेकिन दो आदमी भी नहीं जा सकता था। आज अगर बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाइएगा ऐसा लागी कि दुनिया की सबसे सौंदर्यशाली अगर कोई मंदिर है तो बाबा विश्वनाथ का बना। तो मथुरा भी सजने लगी है, क्यों गाए हम? क्योंकि इस सरकार में पहली बार मथुरा के अंदर जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जिनके सपने में कृष्ण आते हैं ऐसा कहते हैं ना, ओ हमनी के जो जिनका जिनका सपना में कृष्ण भगवान जी, वो पहले रहा कि आई ले उस मथुरा में कृष्ण भगवान के जन्मस्थली पर अंडा मांस मछली सब बिकात रहे, लेकिन उनको एक बार नहीं आया कि हमारे कृष्ण की जन्मस्थली है, यहाँ इसको रोको। पहली बार सूर्य प्रताप शाही की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने कहा अब मथुरा वृंदावन में मांस नहीं बिक सकता। भाई देश में बहुत जगह है, करो ना। एक हमारे कृष्ण भगवान जहां आए, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, हम वंदना करते हैं उस कृष्ण का जो जगत के गुरु है। और वो कृष्ण भगवान के जगह पे पहली बार उत्तर प्रदेश को 5 साल की सरकार में मांस मछली मदरा ये सब बंद करना पड़ा, तब मनोजवा के गावे के पड़ल कि मथुरा अब सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। बंसी जब बज जाएगा सोच नजारा क्या होगा।
देश हमारा बाजने लगे गए का मतलब क्या भाई? हमके एक पांच साल में सब हुआ, अभी जैसे ही सूर्य प्रताप शाही जी दोबारा जाएंगे ना, डमरू का सर समझ में आएगा। हम किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकते। दुनिया की एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिस जो जंके की चोट पे कहती है सबका साथ सबका। कोविड में अनाज गैल हुए घरे घरे, गरीब के तो हिंदू मुसलमान देख ले गिल बटे हो, सबको गया कि नहीं गया? अगर 5 लाख रुपया के इलाज मिलल तो हिंदू मुस्लिम दिखाइल भैया, बाबन ठाकुर दिखाइल भैया, आय दादा कौन आके एकरा में नीमक डाल तड़सों। कुछ लोग बा जे सोचत आई तो बीजेपी वालन के अब विरोध नहीं हो सकेला, तो यानी के फोरा डिवाइड है रूल। एक आदमी हमसे कहा कि मनोज जी मत्र पत्रकार भैया, बोले ब्राह्मण शंख बजाएगा किसको जिताएगा? तब के हमरा से क्या पूछो तलो भाई, बोले नहीं चर्चा में है। तो हम कहे कि देखो, एक तो मनोज तिवारी कभी इस लेवल पे सोचा नहीं, न कुछ कहता है न करता है। लेकिन अगर आपने प्रश्न किया 2014 के पहले जितना देश के प्रधानमंत्री लोग होत रहे, उनकर भाषण उठा के गूगल पे सुन ली, सब कोई जब कोई कोट कहता था कि फलाना विद्वान ने फलाना ने ये कहा, तो प्रधानमंत्री अंग्रेजी में कोट करता था। 2014 के बाद हमारे नरेंद्र मोदी का हर कोट संस्कृत में होता है मेरे भाई। इससे बड़ा सम्मान हमारी संस्कृति को क्या देगा कोई? अभी बजट भी होत रहे तो बजट भी हो तो संस्कृत में श्लोक बोलते हैं। मैं बोलता हूं भैया, ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, कोई एक ऐसा उदाहरण लेके आइए। हमारी पार्टी कहती है कोई एक ऐसा बिंदु नहीं जिस पे हम नजर झुका सकें। हाँ, ये हो सकता है आप कहेंगे ये नहीं हुआ, तो 5 साल में जितना भइल बा उतना स्वीकार करी, एकरे बाद 5 साल बाद मनोजवा के पत्थर देवा वोट नहीं मांगे के पड़ी। खुदे आप लोग को आप जाके तो नहीं कोरे रहसन हमनी के फिर यहाँ से कम डाली जाए। तो मनोज तिवारी आप लोगों से विशेष, हम तो यो गाना गोले वाली आजकल कि जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, सड़क बनेगी पुल भी बनेगा और होगा बम बम होगा। भैया लोग भी इस लाइन की समीक्षा करेंगे, जो विद्वान नहीं करेंगे। मैं क्या लिखा मैं रात में, हम और दिनेश लाल यादव हमारा निरहुआ दोनों मिलके लिखे हम लोग कि सड़क बनेगी पुल भी बनेगा होगा बम बम होगा। जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, क्यों कहा मैंने कि वो आए तो गुंडे माफियाओं की मौज रहे। अंतर स्पष्ट है बेटा, थोड़ा धीरे धीरे देना, ज्यादा तेज नहीं, ईश्वर इसका इको कम कर लो अपना, बहुत ज्यादा है। हाँ नॉर्मल हारमोनिया नहीं ना लेके जाए, कान में मीठा मीठा। वो आए तो गुंडे माफियाओं की मौज रहेगी, जोगी है तो गुंडों पे बुलडोजर फौज चढ़ेगी। हाँ बुलडोजर फौज चढ़ेगी, मोदी को पतवार है तो सड़क
सड़कों पे जहाज उतरेंगे। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस के फोटो पूरा दुनिया में चलता, मेरे को देख के गिरल भाई कौन जहाज तो उतरवे कैलाश। इतना रिस्क मोदी ने क्यों लिया रे, सड़क तो थी कहीं कमजोर होती गड़बड़ा जाता, मोदी क्यों उतरा उसमें। मोदी जी बोले मैं जे मुझे अपने सोच पे भी विश्वास है और मुझे अपने निर्माण पे भी विश्वास है। मोदी को पतवार है तो सड़कों पे जहाज उतरेंगे, फ्री अनाज से गरीब के घर भरेंगे और बनेंगे भैया भरेंगे और बने। हमने देखा है आपने भी देखा है, हमने देखा श्री केदारनाथ जी धाम सवरते सजते, हमने देखा है चीन की सीमा पर पीएम को गरजते देखा, पीएम को इधर उधर नहीं सीधे चीन के बॉर्डर पे जाके हमारा पीएम बोलता है, जबकि चीन से डरात डरात को लागे कि पैजामा में सब हो जाए। हमने देखा है एक एम्स से 22 एम्स बना के, दूगो तो उत्तर प्रदेश में हो गए, किसी राज्य में एक ही एम्स खोलने का सिस्टम है अभी, लेकिन धन्य हो सूर्य प्रताप शाही उत्तर प्रदेश में दो दो एम्स खुल गया है मेरे। हमने देखा है नगर नगर में एयरपोर्ट बनाते, अब तो सबसे बड़ा उदाहरण जिंगे कुशीनगर में, हम एक दिन उतरली हमारा फाजिल नगर जाए के रहे, सर से उतरली घर से पहुंच गई हर जगह। हमने देखा है नगर नगर में एयरपोर्ट बनाते, चप्पल पहने माता को सज के विमान में जाते देखा, सज विमान में जाते। हमने देखा है बेघर को भी अपना घर बनवाते, हमने देखा है निर्भय बेटी को स्कूल में हंसते जाते, हमने देखा है बाबा साहब भीमराव का पंचतीर्थ बनवाते। सब लोग वोट मांगते थे इसीलिए बहन जी आजकल चुप है, बोली नहीं ठीक है वाजपेयी ठीक है। भैया छोटी बात नहीं है, अंबेडकर साहब जहां बाबा साहब जहां जन्म लिए वहां भी पर्यटन स्थल बना दिया, जहां शिक्षा लिए लंदन में पूरा बिल्डिंग खरीद के भारत सरकार ने बनाया, जहां पे अंतिम सांस लिए वहां भी, जहां पे दीक्षा लिए वहां भी, जहां अंतिम में उनको अंतिम कार्य उनका कर्म हुआ वहां भी। अभी तो मैं देखा था नहीं कि जिंगा कांग्रेस उंग्रेस वाला आते हुए सर आओ कल से तू खत्म वो खत्म ही होके लायक बड़ा सा। अभी पंजाब में भैया मैं चार दिन पहले था, पंजाब गया था मैं, चुनाव है और अगर 10 मार्च को पंजाब में भी कमल खिल जाए तो आश्चर्य मत करिएगा ऐसा काम हो गया। तो जिंगा गैली थे वो प्रियंका जी का नाम उनको प्रियंका बढ़ेरा, हाँ सही नाम है, सही गुरु। आपका नाम क्या है? अटल बिहारी पांडे, अटल बिहारी पांडे भरत राय। अरे गुरु सही नाम है, यही नाम सही है। देखो दीदी हंसती है। दीदी हमारे यहाँ देखो दीदी लोग समझदार है ना। अब देखो प्रियंका जी यूपी में आके कहती है मैं यूपी की बेटी हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, मैं जोगी जी के लिए ताली बजाता हूँ। जब प्रियंका जी बोलती है ना कि मैं बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, तो मैं जोगी जी के लिए ताली बजाता हूँ, क्योंकि इसके पहले बेटियां ऐसे बोलती ही नहीं थी। योगी जी आपने इतना बल दे दिया कि प्रियंका जी नहीं बोलती मैं लड़ सकती हूँ, ये तो मानना ही पड़ेगा। एक दिन जो है देखा कि प्रियंका जी गंगा जी में नहा रही, हमारा बड़ा मजा है। बताओ ये लोग 55 साल शासन किए, अखिलेश जी 4 साल 4 बार इनके कभी पिताजी कभी आदरणीय पिताजी सब बहुत, और इतना दिन में वो गंगा जी में नहा देख ले वाली लोग तो वो
गंगा जी हमने देखा माँ गंगा की गोदी में लिपट नहाता, हमने देखा एक फकीर को भारत भाग्य सजाता, देखा भारत भाग्य सजाता। समय आ गया है मोदी योगी को सजा के रखना, पत्थर देवा से सूर्य प्रताप को किरण बना के रखना, किरण बना के रखना। बहुत हुआ है कुछ बाकी है वो भी इन्हें करना है, उत्तर प्रदेश की हर पीड़ा सूर्य प्रताप योगी जी को हरना है, भैया योगी जी को हरना है। ई मनोज रउआ सबके आगे नतमस्तक की बाई, अजब जीत जई है भैया तो एक दिन खाली गाना गावे आइए, गाना गावे आइए। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, हमें बहुत अच्छा, इस बार हम लोग 5 लाख लोगों को नौकरी दी और अगले साल अभी देखिए, अगर आपकी बेटी भी इंटरमीडिएट में होगी उसको कहिएगा प्रेम से पढ़े, अगर वो मेधावी छात्र माने 70% प्लस नंबर आएगी लाएगी तो बीजेपी उसको स्कूटी पे घर पहुंचाएगी। मेरे हर पंचायत में एगो खेल के मैदान होके वाला बाटे, जिम होके वाला बाटे, इतना मजबूत उत्तर प्रदेश के आदमी हो जाए कि जे बोली ओकरा के तो पुछरी के नहीं जवाब दे दिया है। मेरे भाई बहन आप सबको मैं कहना तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ हम लिख के तो पढ़ लिखी ना, तो कई गो मुद्दा बाटे जो भुला जाता नहीं, लेकिन भुला जाए सब भुला जाए। मनोज तिवारी हाथ जोड़ से हमार वैभवा गाना गौला सन की वो क्या पगड़िया जिस भाव में भी गाए, लेकिन हम तो गायक गा रहे हैं कि मनोज तिवारी के पगड़ी रखी है योगी मोदी के शान रही, एह सूर्य प्रताप के जितले से उत्तर प्रदेश के मान रही। मिलजुल के मिस न करे कोई, बूथ पर गईल जरूरी बात, एक एक वोट 3 तारीख के कास्ट भइल भी जरूरी। यही आप सबसे प्रार्थना बा, आप सब लोग के हमनी के बहुत तरकुलहा माई के गीत गा गा के यहाँ ले पहुंचल बानी, एक देखत आने की बहुत सारे भैया लोग दीदी लोग बेटियां, आप सब लोग याद रखब जा कि हमनी के 3 मार्च के उत्तर प्रदेश के सजावे के बाद एक बार हमू चाहता नहीं हमरा के सब माला पहनावल हो, अगर आप लोग के आदेश होके तो एको माला हमू सूर्य प्रताप शाही जी के पहनावल चाहते हैं, पहना दे भैया अब हाथ उठा के बताइए कि पहना दे तो हम पहनाते हैं, हमारे लिए ये विजय की माला है अपने भैया को, और हम आपके रूप में उत्तर प्रदेश को विजयी देखना चाहते हैं। दोनों हाथ उठा के बोली भारत माता की जय, भारत माता की जय। फिर मुलाकात हुई, कोनो गलती सलती हो जाए तो क्षमा करब जा, बाकी हम सबके इज्जत सबकर मान उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठा आप लोग के हाथ में, भारत माता की जय। धन्यवाद। मंदिर